इनको पता नहीं है, अगर हमारे हस्बैंड यहाँ पर आ गए ना तो गोलियों से इनको उठा के भून डालेंगे, देखना। अब और कत्लेआम नहीं होने दूंगा, छोड़ दे बच्चे को। मोहन मेरी बात सुनो, देख जितने पैसे मिल चुके उतने बहुत है, अब बस कर। इसके बाद कोई नहीं मरेगा। मैंने कहा बस कर। सिर्फ पैसों के लिए इतना जोखिम उठा रहे हैं, आज हम यहाँ से अमीर बन के ही निकलेंगे। अगर किसी ने मिशन में टांग अड़ाई तो कमिश्नर, मैंने तुझे मना किया था पर तू माना नहीं, अब तेरी गलती की सजा ये बच्चा भुगतेगा। अगर इस बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो, रुक जाओ तो अपने आदमियों से कहो पीछे हटे। बच्चे को कुछ मत करो, हम पीछे जा रहे हैं। प्लीज मुझे गिराना नहीं। सब लोग पीछे ही रहो, उस बच्चे को मार देगा। किसका बच्चा है वो? अरे बोलो ना, किसका बच्चा है वो? मेरा बच्चा है सर, वो मेरा बच्चा है, प्लीज उसे बचा लीजिए सर। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। ये बच्चे को लटका के हवा क्यों खिला रहा है? अब तो इसको बचाने के लिए स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा। अच्छा अंडरटेकर, तू क्या बनेगा? जूनियर आर्टिस्ट बन सकता है। अरे टोपी, ये अंडरटेकर, मेरे दिमाग में डांसू आइडिया आया है, आजा। अरे पापा फिर कहाँ जा रहे हो? एक जगह बैठा नहीं जाता आपसे। उसकी जगह अगर हमारा मुन्ना होता तब भी तू यही कहता क्या? एक बच्चे का बाप होकर तू ऐसी बातें करता है? जा जाके कहीं डूब मर। पापा पापा ये पैसे लीजिए, उस बच्चे को बचा लीजिए। त्यागो, अभी हम इस पाइप की मदद से बच्चे को बचाएंगे। क्या है कि सबकी जान बचाना गुरखा का धर्म होता है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको पैर में ऐसे लपेटना है और टाइट कर देना है। देख दोस्त, अगर उस बच्चे को बचाते हुए मैं मर गया तो स्वर्ग में अपन दोनों गले मिलेंगे, ठीक है ना? मत करो दीदी। मम्मी वो देखो स्पाइडरमैन, पेंडुलम की तरह मैं राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट हो रहा हूँ, और उल्टी भी आ रही है, चक्कर भी आ रहा है। बचा! सर ये क्या हो गया? सर सर मनी ट्रांसफर अचानक से रुक गया सर। ऐसा कैसे हो सकता सर? बहुत सारे लोग एक साथ ट्रांजैक्शन कर रहे थे इसलिए सर्वर क्रैश कर गया, सब खत्म हो गया सर। अब क्या करेंगे? त्यागो, पैसा आना बंद हो गया यार। कमिश्नर, तुमसे ज्यादा समझदार तो पब्लिक निकली। जाई, बचाओ। हम कोशिश कर रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त दो। हम बात कर रहे हैं ना, प्लीज ऐसा मत करो। टाइम खत्म हुआ कमिश्नर, जितने पैसे चाहिए थे वो नहीं मिले,
Don't ever blame me. फोन है क्या? ये लो, लेकिन बैलेंस कम है, थोड़ा कम बात करना। अरे सर फट रहा है। ए बच्चे, मैंने तेरी बॉडी बचाई ना, तू मेरा सर तो दबा। सॉरी सर। उसे एक सर्विस में समझा और उसका साथ दिया। पता होता कि साला आईएसएस का टेररिस्ट है, कर रहा है। तो मिशन शुरू होने से पहले ठोक देता। अब बताइए क्या कर सकता हूँ? पैर तो दबा दे, सुनता ही नहीं है। ये बताओ कि हम अटैक शुरू कर सकते हैं या नहीं? कितनी पॉसिबिलिटीज है? डायरेक्ट अटैक किया तो कम से कम 20 से 30 लोग मारे जाएंगे। ओके, तो फिर क्या करना चाहिए? मेरे पास एक प्लान है सर, जिससे किसी की जान नहीं जाएगी, पर ये बाहर से नहीं किया जा सकता। एक काम कर, इसे अंदर से करना होगा। क्या? 2002 में रशिया में कुछ आतंकवादियों ने एक थिएटर को हाईजैक किया था। तब रशियन मिलिट्री ने एसी के वेंट के जरिए हॉल में एनेस्थीसिया का गैस छोड़ा था, और उस गैस की वजह से वहां मौजूद सारे टेररिस्ट और हॉस्टेजेस थोड़ी ही देर में बेहोश हो गए, और रशियन आर्मी ने उन्हें ओवरपावर कर दिया। हाँ, तुम्हारा प्लान तो ठीक है, लेकिन इतना सारा एनेस्थीसिया हम लाएंगे कहां से? सर, मॉल के सेकंड फ्लोर पर डेंटल क्लिनिक है सर, हमें उसके मेंटेनेंस रूम में बहुत सारा एनेस्थीसिया मिल सकता है। जो गैस सिलेंडर्स में, अगर उसे एसी वेंट से कनेक्ट कर दिया तो सब बेहोश हो जाएंगे। अब तक कितना पैसा जमा हुआ है? 90 करोड़। ये वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर। ये किसका अकाउंट है? जितना बोला उतना कर, सवाल मत कर। चले मोगले, आजा। इस गैस सिलेंडर को एसी वेंट के साथ कनेक्ट कर दो और उसमें केमिकल डाल दो। एक बार फिर से सुन लो, केमिकल को एसी वेंट के अंदर डालना है। ये क्या घड़ी घड़ी एक ही बात बोल रहा है? मेरे को पप्पू समझ के रखा है, एक बार बोलने से बात भेजे में उतर जाती है। हो गया। ए मोगले, वो बोतल दे रहे। ये लो, पकड़ो। ये तूने बोतल कहीं को फोड़ी? अरे ये तो सिर्फ पानी था। अरे यही तो पानी एसी वेंट में डाला था। दिमाग घुटने में है क्या? अगर पानी एसी में डालोगे तो एसी खराब हो जाएगा और पूरा प्लान फेल हो जाएगा। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या, आई एम चैंपियन यार। तो अभी इसका क्या करने का? एक काम करो, इसे फेंक दो। चल चल, जब चैंपियन हो साथ तो डरने की क्या बात। आजा, ये क्या इधर ही थका रहा बैठ के गंदे गंदे रिएक्शन दे रहा है? तुमने सब कुछ परफेक्टली कनेक्ट किया। अरे बाबा कर दिया, अभी एक एक आतंकवादी को ढूंढेंगे और कॉकरोच जैसे मारेंगे। सर, गैस सिलेंडर से इसी वेंट को कनेक्ट कर दिए, 2 मिनट में सब बेहोश हो जाएंगे। कितना बोल रहा है, आप लोग तैयार रहिए। अरे भाई, बैलेंस कम है, पता नहीं कितना बात किया होगा। वैसा ही किया ना जैसे मैंने कहा। एक बार बोलो ना, काम बराबर से कर दिया, बार बार दिमाग नहीं चबाने का। अगर तेरे को यकीन नहीं होता तो खुद ही जाके कर ले। अच्छा, वो पानी का बोतल गाय को दिया था, उसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ा दिया, बच्चे ने फोड़ दिया। अच्छा, क्या? वो पानी नहीं, केमिकल था। क्या कहा, केमिकल? अबे गधे, सब कुछ सही से किया कि नहीं? अबे घोचू तो बताया क्यों नहीं, इसने मुझे बोला कि ये मोगली की औलाद क्या खड़े खड़े चड्डी में फूल खिला रहा है? अबे वो केमिकल था, पता है? मैं भी तो यही कह रहा था, आपने ही मेरी बात नहीं सुनी, आप भूल गए। I am a little star, कर लो ना मुझसे प्यार, गुस्सा ना करो यार। तेरे को तो बाद में देखता हूँ। सर,
अच्छा जो करना था उसका रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। वो केमिकल ही था ना सर। अबे कितनी बार बताओ वो केमिकल था सर। तो अभी क्या होगा सर? मुझे माफ कर दो। सर मुझे अंदर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही है सर। तू मुझे मारेगा और मैं मर जाऊंगा, है ना? सही है। चलो सब लोग पागलों की तरह हंस रहे हैं। इतनी टेंशन में सब लोग हंस क्यों रहे? क्या कहा? जरूर कुछ गड़बड़ हुई सर। मैं बेसमेंट में जा रहा हूँ, उसे वहीं ले आओ। क्या पुलिस ने हॉस्टल से इसको छुड़ा लिया, अब क्या प्लान है? 5 मिनट में निर्मल पीछे के गेट से आएगा, तब तक हमारा पैसा ट्रांसफर हो चुका होगा। और इसका क्या करना है? जब तक ये हमारे पास है कोई हमें छू भी नहीं सकता। तुम्हें लगता है तुम आसानी से बचाओगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उलझड़ी के ब्लड की कसम, एक एक की हड्डी पसली नहीं तोड़ दू ना तो मैं गोरखा नहीं। तूने सिर्फ मेरी फुलझड़ी को ही नहीं मारा बल्कि हमारी शादी के बाद हमको जो बच्चा होने वाला है उस पर भी हाथ उठाया। इसकी सजा तुझे मिल के रहेगी। I kill you! कमीने, मार डालूंगा तुझे चौकीदार। मैं क्या यार, अभी अभी तो मारामारी शुरू की है और तू सीधा क्लाइमेक्स पे पहुंच रहा है? तू बहुत बड़ा तोपची है क्या? हे, लगता है तू वो कहावत भूल गया कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। मान का बच्चा है तो आजा और लड़ मेरे साथ। जान बचाने वाला चौकीदार जब अपने पे आता है तो वो देश के गद्दारों की जान भी ले सकता है। अगर माँ का दूध पिया है तो आजा और सामना कर। दादी, ये पांडु पागलों की तरह क्यों बोल रहे हैं? ये वो नहीं, उसके दादाजी बोल रहे हैं। बहुत हो गई अंताक्षरी, आजा सामना कर। खड़ी खड़ी देख क्या रही है ये लोग? मार दादी, वो लोग पांडू को पीट रहे हैं। फिकर मत कर रहे, इंजन गरम हो रहा है, बाद में सबकी छुट्टी कर देगा। अरे बुढ़िया, ये लोग क्या तेरे दामाद लगते हैं जो चुपचाप देख रही है? आक्रमण! तुमने सोया शेर जगा दिया है। ये दाड़े, तूने जितने लोगों को तड़पाया है ना उनकी बद्दुआएं तेरे बॉडी में गचकरण कर देंगी। गोलबिया थापा मदद कर। अरे
चचुंदर, मैं तो उड़ के गिरा, मेरी बात तो ठीक है लेकिन तू कहीं को जमीन चट रहा है। देख साले मेरा स्टाइल कॉपी कर रहा है तू, एनर्जी है तो चल लड़ते हैं, आ जा मैदान में। बोल भैया थापा सर, सब लोग सेफ हैं सर। वो अमेरिकन लेडी, हमने उन्हें भी बचा लिया है सर, पर जो सिक्योरिटी गार्ड इस ऑपरेशन में हमारी मदद कर रहा था वो शहीद हो गया सर। What happened? Panju किधर है? Sorry ma'am, he is no more. Panju, Panju, हमें अभी अभी खबर मिली है कि सिक्योरिटी गार्ड पांडु को गोली लग गई है। पांडू उठना रे, वाइब्रेट हो रहे हैं, वाइब्रेट क्यों है? तुम तो जिंदा है, तुम मरा नहीं पांडू, तुम मरा नहीं पांडू, मैं जिंदा हूँ पांडू। अरे कौन है, किसका फोन है? आइला गुलबिया दादा ने अपने को कुछ किया था, पागल है गुलबिया, पागल है गुलबिया, पागल है। हेलो दादी, गुलबिया दादा अपने को बचाते बचाते सीधे स्वर्ग की ट्रेन में चले गए और टेररिस्ट ने अपने को गोली मारी ना, वो मुझे नहीं दादा को लगी। हे गोटी आजा मेरे नाम यार, तू जिंदा है बच गया, तू भी बच गया।